हाँ जी जो याने टुटेजा एट टुटेजा टॉक्स देसी मार्टिनी और बात करते हैं कमांडो 3 के बारे में विच इज जस्ट रिलीज्ड इन थिएटर्स। कमांडो फ्रेंचाइजी से एक सेट एक्सपेक्टेशंस होती है कि हाई एड्रेनलिन एक्शन होगा, एंटरटेनमेंट क्वेश्चन डेफिनेटली जरूर होगा, ड्रामा भी डेफिनेटली होगा, एंड देन विद्युत जामवाल के जो स्टंट्स हैं वो देखने को मिलेंगे। विपुल शाह हैज प्रीटी मच एस्टैब्लिश दिस फ्रेंचाइजी इन अ वेरी सेट काइंड ऑफ अ पैटर्न, और प्रोमो देख के ये तय हो ही गया था कि फिल्म किस तरीके से आगे बनेगी। नॉट अ गुड थिंग हियर इज कि फिल्म का जो स्केल है वो पहले जो कमांडो और कमांडो 2 आई थी उससे काफी ज्यादा आगे है। इस बार फिल्म को सेट किया गया है लंदन में। विद्युत जामवाल एक ऐसे मिस्टीरियस आदमी की खोज में पहुंचते हैं जो इंडिया में लड़कों को बहला फुसला कर उनको जिहाद के रास्ते पर ले जा रहे हैं। दैट गाय इज गुलशन देविया जो एक ब्रिटिश सिटीजन दिखाए गए हैं। क्लासी है, सोफिस्टिकेटेड है और उनका अपना एक खुद का मॉडस ऑपरेंडी है। मीनवाइल विद्युत जामवाल निकल पड़ते हैं ये देखने के लिए कि ये इंसान है कौन, ऐसा क्यों कर रहा है और अल्टीमेटली चाहता क्या है, क्योंकि बता तो शुरू में ही दिया जाता है कि इंडिया पर अटैक होने वाला है, समथिंग विच विल बी ऑन द लाइंस ऑफ 9/11। तो ये उस तरीके का सेटअप है ना। ऑफकोर्स ऐसी वेब सीरीज काफी सारी आ चुकी है, पहले तो सिर्फ ऐसा होता था कि वेस्ट से आती थी, अब इंडिया में ही इस तरीके की काफी वेब सीरीज बनने लगी जो आतंकवाद के ऊपर मुहिम छेड़ने के अराउंड जो कॉन्सेप्ट होते हैं उस पर बनती है। हमने रिसेंटली देखा द फैमिली मैन जो मनोज वाजपेयी का था, या फिर हमने देखा इमरान हाशमी का बार्ड ऑफ ब्लड। सो फ्रॉम द कॉन्सेप्ट पर्सपेक्टिव, फ्रॉम द ओवरऑल सब्जेक्ट पर्सपेक्टिव, जो ओवरऑल ट्रीटमेंट भी है इसमें, मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि कोई बहुत ज्यादा नॉवल्टी है क्योंकि एक बेसिक सेट पैटर्न के साथ चलती है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट मुझे तो अक्षय कुमार की हॉलीडे भी कहीं कहीं पर याद आ गई थी। बट देन बियॉन्ड दैट फिर बात ये आ जाती है कि एक 2 घंटे की जो फिल्म है उसके अंदर आपको कितना एक्शन देखने को मिलेगा, कितना थ्रिल्स देखने को मिलेगा, और कहीं ना कहीं शायद कुछ सस्पेंस फैक्टर आ जाएगा या नहीं। तो यहाँ पर ऐसा नहीं क्योंकि बहुत बड़ा सस्पेंस आता है, ऐसा नहीं क्योंकि बहुत बड़े ट्विस्ट एंड टर्न्स आते हैं, बट हाँ एक्शन आता रहता है, और जब एक्शन आता है तो साथ में बैकग्राउंड स्कोर भी अच्छा आता है। और चलिए वो सब तो फिर भी ठीक है, बट उसके अलावा जो लंदन की पूरी आउटडोर शूट दिखाई गई है उसको देखने में बहुत मजा आता है, बिकॉज दिस फिल्म इज अराउंड एटलीस्ट 60-70% आउटडोर्स, और आउटडोर्स में फिल्म को बहुत अच्छे से सेट किया गया है। तो वाइट कैमरा एंगल्स है, कैनवास अच्छे से सेट किया गया है और सारे के सारे तरीके की चेजेस दिखाई गई है। बाइक पे चेस चल रही है, 101 चेस चल रही है, कार्स की चेस चल रही है, तो फिल्म जो है वो एक्चुअली काफ़ी बड़ी लगती है। तो उसकी वजह से एक्सपेक्टेशन जो थी उससे थोड़ी सी नॉच हायर ही फिल्म चले जाती है, बिकॉज कमांडो और कमांडो 2 का जो स्केल है वो थोड़ा सा सीमित था, यहाँ पर थोड़ा सा बढ़ा। हाँ ये बात फिर भी कहनी पड़ेगी कि जो फिल्म का स्टार्ट है वो बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव नहीं होता है। चलिए ठीक है, आपने विलन को दिखा दिया कि वो करना क्या चाह रहा है, और उसके बाद विद्युत की एंट्री भी होती है एक अखाड़े में, तो जो पूरी की पूरी फिल्म है वो लंदन में सेट है, स्टाइलिश एक्शन है, थ्रिल्स है, सब कुछ है, और यहाँ पर जब अखाड़े में फिल्म की स्टार्ट होती है तो थोड़ा सा ऑकवर्ड लगता है, क्योंकि जो स्टेज और सेटअप है पूरी फिल्म का इसके साथ कहीं ना कहीं मैच नहीं खाता था। ऑफकोर्स एक्शन सीक्वेंस डेफिनेटली अच्छी है, बट जो पूरा का पूरा जो सेटअप है मुझे ऐसे लगा कि थोड़ा सा और स्टाइलिश होता और अलग तरीके के जोन में होता तो मज़ा आता। उसके बाद जब फिल्म चलती है मुझे सबसे इंटरेस्टिंग सीक्वेंस लगी जब विद्युत समझना चाह रहे हैं कि गुलशन की आइडेंटिटी क्या है, गुलशन वहाँ से समझना चाह रहे हैं विद्युत की आइडेंटिटी क्या है, क्योंकि विद्युत लंदन पहुँचते हैं और वहाँ लंदन में उनको पता चल जाता है गुलशन को कि विद्युत आए हैं, बट कौन है वो, क्या शक्ल है, क्या इंसान है, वो जो पूरी की पूरी एक सीक्वेंस है वो बहुत अच्छे से सेट करी है। सो आई बिलीव डायरेक्टर आदित्य जज जो हैं और साथ में जो फिल्म के एडिटर हैं, आई थिंक दे हैव डन अ फैंटेबुलस जॉब आउट देयर। उसके बाद फिल्म का इंटरवल पॉइंट भी अच्छा आता है, सेकेंड हाफ ऑल्सो इज प्रिडिक्टेबल बट एक पेस पर चलता रहता है, और टुवर्ड्स द एंड जो हिंदू मुस्लिम एकता है आई थिंक उसके अराउंड भी जो पूरे के पूरे सेंटिमेंट्स हैं और जो एलिमेंट्स हैं वो समहाउ इन द सिंगल स्क्रीन थिएटर्स इन द इंटीरियर्स दे शुड एंड अप डूइंग वेल। फिल्म में गाने नहीं है, एक आध गाना है वो बैकग्राउंड में आता है, बट दैट्स अबाउट इट। लेकिन हाँ जो लीडिंग लेडीज हैं अदा है, अंगीरा है ना, इनका जो रोल है मैं ये नहीं कहूँगा कि कोई बहुत ज़्यादा बड़ा है, बट हाँ फिल्म में जब ये आती हैं तो ऐसा नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा कोई डिस्ट्रप्शन हो रही है, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन हो रही है, दे फिट इन वेल और इन्होंने डेफिनेटली एक्शन अच्छा किया है। मीनवेल विद्युत वो तो अपने एक्शन के लिए जाने ही जाते हैं, तो यहाँ पर भी उन्होंने काफ़ी ज़्यादा कमाल का काम किया है। तो अगर ओवरऑल फिल्म की बात करूँ तो एज ए सेट ऐसा नहीं है कि फिल्म स्पेक्टेकुलर, एक्सलेंट, एक्स्ट्रॉर्डनरी है, बट देन जैसा ट्रेलर था उससे थोड़ी सी बेटर ही है, क्योंकि फिल्म आपको एंगेज करके रखती है। जब 2.5 घंटे बैठते हैं एक टाइम पास एंटरटेनर की तरह फिल्म आती है, प्रिडिक्टेबल है, कहानी नई नहीं है, ऐसा नहीं है कि कुछ आपने पहले देखा या सुना नहीं है, बट देन जितना टाइम आप देखते हैं यू डोंट गेट बोर्ड एट ऑल। सो टेकिंग ऑल दीज फैक्टर्स इनटू कंसीडरेशन माई रेटिंग फॉर द फिल्म इज 3 स्टार्स। तो जोगेंद्र टुटेजा साइनिंग ऑफ फ्रॉम टुटेजा टॉक्स देसी मार्टिनी।